कुमारी जी, वो देखिए। जाओ उसे उठा लाओ। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी। ओह, राजकुमारी? नहीं नहीं, राजकुमारी की दासी हूँ। आपके चोट तो नहीं आई? जी नहीं। आइए मेरे साथ। माँ, माँ, मेरी माँ को दिखता नहीं है। तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ माँ, राजकुमारी जी की दासी है। माता जी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। जान बचाने वाला तो भगवान होता है बेटी। बस माँ, मैं ठीक वक्त पर पहुँच गया था। अरे तो कौन सा कमाल किया है, मैं वक्त पे पहुँच जाता तो ऐसी कई लड़कियाँ बचा लेता। अरे लड़कियों को बचाना कौन सी बड़ी बात है मेरे भैया। ये कौन है? ये मंगलू मेरे सगे भाई की तरह। विजय भैया, जरा बात सुनो। मैं तो तुम्हारे भाई की तरह हूँ, मगर ये भी तो बता दो विजय भैया, ये काहे की तरह है? बाजा बाजा बाजा, बाजा बाजा। ये कैसा बाजा बज रहा है? आज नाग पंचमी का त्योहार है, गांव वाले पूजा के लिए मंदिर जा रहे होंगे। बेटा। हाँ माँ। मंदिर चलने की तैयारी करो। मैं भी चलूंगी माँ। मैं भी चलूंगी माँ, मेरा मतलब मैं भी चलूंगा माँ। बात यह है कि अपनी गाड़ी का एक पहिया कम है, उसे साथ लेता हूँ। Bye.
ये कटोरा किसका है? मेरा है बाबा। तुम बड़ी भाग्यशाली हो बेटी कि सुनहरी नागिन ने तुम्हारे कटोरे से दूध पिया, और हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि तुम्हारी वजह से हमें भी सुनहरी नागिन के दर्शन हो गए। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नाग देवता सदा तुम्हारा कल्याण करेंगे बेटी। विजय, काफी देर हो गई। माँ, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटी जाओ। अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें महल तक छोड़ आता हूँ। विजय भैया, विजय भैया। मंगलू, सारा उत्सव खत्म हो गया, अब आया है। अरे पूछो मत विजय भैया, गुलाबी को लेने गया था, मगर अपने होने वाले सुसर ने बड़ी इज्जत के साथ जूते मार के घर से बाहर निकाल दिया। और तेरी खोपड़ी सलामत रहेगी इस टोपी की बदौलत। टोपी की बदौलत जा, माँ को घर छोड़ा, मैं इन्हें महल तक छोड़कर अभी आता हूँ। चलो माँ। आओ। अब आप तकलीफ ना कीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ? इस राजमहल में। ये राजमहल आपका है? जी नहीं, मेरे बाप का है। ओ, लगती भी हैं आप राजकुमारी जैसी। जी, राजकुमारी नहीं, मैं तो दासी हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ। सुनो, कौन है आप? मैं फकीर हूं, लोगों को रास्ता दिखाना ही मेरा काम है। क्या चाहते हैं? अपने लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ। मैं अपनी गैबी ताकत से बता सकता हूं कि सुनहरी नागन तुम पर मेहरबान है, और एक दिन उसकी मेहरबानी से तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा। वो कैसे? मेरी आंखों में देखो, सब नजर आएगा, सब नजर आएगा, सब दिखाई देगा। देखो देखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में देखते हो मेरा सर क्यों चकरा रहा है? थोड़ी देर मेरी आंखों में और देखो, सब ठीक हो जाएगा। साधना, साधना तुमने ये क्या किया? और क्या करती तुम यहां से? क्या गए, आने का नाम ही भूल गए। हब्बत भरे दिल की तड़प तुम क्या जानो? नहीं साधना, जो आग उधर है वो आग इधर भी है, लेकिन गुरु जी के बिना अकेले कैसे आ जाता? तो क्या बाबा की तपस्या पूरी नहीं हुई? तपस्या पूरी हो गई, तुम पर जो श्राप है उसे दूर करने वाले कंगन भी हासिल हो गए, लेकिन 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 क्या? कंगन गैर के हाथों में चले गए। गैरों के हाथों में चले गए? और बाबा? बाबा, बाबा कंगन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वहां होना बहुत जरूरी था, लेकिन तुमने अपने जादू के जोर से मुझे यहां खींच लिया। अब क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं, अब भी वक्त है। साधना, तुम मुझे कोई ऐसी चीज दो कि मैं गुरुदेव की मदद कर सकूं। ये मोहरक, इसे मुंह में रख लेना, इसके जरिए तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। शुक्रिया। अरे तुम कहां चले गए? अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सुनो, जब तक तुम ना आओगे जुदाई की घड़ी इंतजार की आंखों में ख्वाब की तरह से गुजर जाएंगे। राजकुमारी जी,
गाड़ी खुद उलट गई थी या आपने खुद उल्टा दी थी? कोई जानबूझ के भी मुसीबत में फंसता है? समय समय की बात है राजकुमारी जी, कोई कोई मुसीबत तो ऐसी होती है जो आदमी जानबूझकर ही मोल लेता है, और कुछ मुसीबतें ऐसी होती है जो खुद ही आ जाती है। लीजिए वो आगे मुसीबत।
ना जाने इस बीन की आवाज में कैसा जादू है। जादू? हाँ, चंचल सांप और चंचल मन दोनों ही इस आवाज पर खींच जाते हैं। और जब तुम मेरे पास आ जाती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गीत सफल हो गए हैं। मगर मैं विनती करती हूँ, कल बीन ना बजाना। वो क्यों? कल राजकुमारी की सालगिरह है, मुझे बहुत काम है। नई जिंदगी तो मिल गई, मगर अब हम दोनों को साथ मरना भी पड़ेगा। क्यों? वो चांडाल जाते जाते गार का मुंह बंद करके चला गया। तो क्या हुआ, मर जाएंगे? मर जाएंगे जैसे कोई बात ही नहीं। मालूम होता है जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी है। दीजिए, तुम्हारे सामने मर जाना भी मेरे लिए जिंदगी से कम नहीं। जरा मरने की कम सोचो, अगर सोचो तो ऐसी तरकीब सोचो कि जीते जी इस काल कोठरी के बाहर निकल जाए। ये तुम सोचो, मैं हर तरह तुम्हारे साथ हूँ। हम बिजुमा खान के तुम पे मरेंगे ईमान से। छेड़ोगे मुझको अगर जान के, जीने ना दूंगी ईमान से। भैया कुर्बान। केले हैं हम बिजुमा खान के तुम पे मरेंगे ईमान से। ए! तो
तुझको मिलेगा सनम क्या दिल को तोड़ के, तुझको मिलेगा सनम क्या दिल को तोड़ के, जाएंगे अब न तेरे दामन को छोड़ के, जाएंगे अब न तेरे दामन को छोड़ के। बिगड़ूंगा जब मैं बुरा मान के, जोड़ोगे भैया ईमान से, छेड़ोगे मुझको अगर जान के, जीने ना दूंगी ईमान से। से हमको ना टाल रखना, कह दूंगी जाके अपना जान से, सर को बचाओ ईमान से, अबा जान से। चेले हैं हम बिजुमा खान के, तुम पे मरेंगे ईमान से, छेड़ोगे मुझको अगर जान के, जीने ना दूंगी ईमान से। ले हैं हम बिजुमा खान के, तुम पे मरेंगे ईमान से। हुकूमत की सुनहरी जंजीर का एक शानदार सिलसिला किस तरह टूट सकता है? बादशाहत की तकदीर का एक नाजुक वर्क पूरी किताब से किस तरह नोचा जा सकता है? राजमुकुट का कीमती हीरा किस तरह गायब हो सकता है? मैं तुमसे 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 पूछता हूं, जवाब दो। क्या संतरियों की तलवारें बेकार हो चुकी थी? पहरेदारों के पहरे जादू की तरह टूट चुके थे? तुमने उस लुटेरे से मेरी दौलत क्यों नहीं छीनी? इसलिए कि शाही दौलत पर हाथ डालने वाला साये की तरह आया और हवा की तरह गायब हो गया। तुम? जी हां महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारी आंखों की रोशनी किसने चुरा ली। जी हां, मेरी आंखों ने उसे दूर तक देखा और मैं ये भी जानता हूं कि राजकुमारी कहां रखी गई है। मैं उस जगह को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा ताकि वहां धूप और साए के सिवा कुछ ना दिखाई दे। लेकिन जो कुछ तुमने कहा है अगर वो गलत साबित हुआ तो मैं अपना सर महाराज की उस तलवार के सामने झुका दूंगा जिसके आगे जिंदगी एक मनहूस साए की तरह लरसती रहती है। अगर तुम राजकुमारी को वापस ले आए तो जो चाहो वो इनाम मिलेगा। महाराज, तो सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वो मेरे साथ आए। जितने सिपाही चाहो ले जा सकते हो, हमारा इकबाल तुम्हारी हिफाजत करेगा।
विजय भैया, विजय भैया, है विजय भैया, अरे तुम्हें तो ढूंढते ढूंढते नाक में दम आ गया था, कहाँ गायब हो गए थे तुम? अरे राजमहल की दासी को एक बदमाश भगाया जा रहा था, उसको उससे छुड़ा कर पहुँचाने गया था। अच्छा बाबा चलो जल्दी घर चलो, वरना माँ तुम्हारे इंतजार में दम तोड़ देगी। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? चल जल्दी चलो। तो याद रखो मार मार के धुआं उड़ा देंगे। मंगलू 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 इस बार हाथ खाली है, बोल मत। ये और बात है, वरना मार मार के कचोवा निकाल देंगे। गिरफ्तार करना इन्हें। ले चलो, चलो ले जाओ। हे भगवान, क्या करूं? मैं कूद पड़ू? अगर नहीं, अगर मैं मर गया तो मेरी गुलाबी का क्या होगा? गुलाबी कांटे कहां से आ गए? अगर वो शरीफ नौजवान मुझे ना बचाता तो वो शैतान जादूगर मुझे मार ही डालता। हम उस नौजवान को मुंह मांगा इनाम देंगे बेटी। पिताजी, ऐसा ना हो कि आप उसका मांगा हुआ इनाम दे ना सके। हम वादा करते हैं कि वो जो कुछ मांगेगा उसे देंगे, और तुम्हारे दुश्मन को ऐसी सजा देंगे कि जिससे मौत भी पनाह मांगे। मुबारक हो महाराज, दुश्मन पकड़ लिया गया। तो किस हुक्म का इंतजार करते हो? उस बेरहम और जालिम को खत्म कर दो। राजकुमारी का हुक्म हमारा हुक्म है, जाओ उसे खत्म कर दो। पिताजी, माँ, 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 गुलाबी, विजय भैया को और उनको राजा ने पकड़ लिया है। राजा ने पकड़ लिया है, मगर क्यों? पता नहीं, सुना है दोनों को ऐसी जगह रखा है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। गुलाबी, गुलाबी मुझे वहां ले चल। वो राजा है तो क्या हुआ? एक माँ की ममता को नहीं उजाड़ सकता। नहीं माँ, तुम वहां नहीं जा सकती, वो राजा है। तो फिर मैं वहां जाऊंगी जहाँ सब राजाओं के राजा रहते। माँ, मैं सच कहता हूँ, हम लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। बता कंगन कहाँ छुपा है? एक बार नहीं, सौ बार कहते नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक
देखता हूं कैसे निपटाएगा। मेरे बेटे की रक्षा करो ना नाग देवता, मेरे जीवन का सहारा छीना जा रहा है, तुम्हारे होते हुए मेरे बेटे को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, क्या पाप किया है मेरे लाल ने? बोलो नाग देवता, बोलो, बोलते क्यों नहीं? तुम चुप हो, खामोश हो, पत्थर के जो, काश तुम्हारे सीने में भी एक माँ का दिल होता, रोने के लिए अंधी आंखें होती तो एक माँ के दिल का दर्द महसूस कर सकते। नाग देवता, नाग देवता, मैं जिंदगी भर के भक्ति के बदले अपने बेटे की जिंदगी मांगती हूँ। अगर जिंदगी प्यारी हो तो अब भी बता दे। नहीं बताऊंगा, हरगिज नहीं बताऊंगा। नहीं, बोल बोल, कंगन कहाँ छुपाए हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर तू नहीं बताएगा ना मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। नहीं बताऊ, नहीं, ले जा बंद कर इसे। याद रखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। ये तेरी आखिरी घड़ी है, अब भी बता दे कि कंगन कहाँ छुपा है। नहीं बताऊंगा। नहीं तो देख, मेरे इशारे पर ये तीर तुम्हें छलनी कर दूंगा। अरे बाप रे, अरे विजय भैया दे दो ना कंगन। कंगन तुम्हारे किस काम आएंगे? इस बेचारे को दे दोगे तो कम से कम हाथ में तो मिलेगा। मार ले मार ले और मार ले, तेरे बाप का राजा है ना। मगर उस्ताद बिगड़ गया तो मैं भी बहुत बुरा आदमी। कहाँ है तुम तो यार मुझसे भी बुरे आदमी। आखिरी बार सोच ले, और जिंदा रहना है तो जल्द बता। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा तो फिर ये हंटर तेरा दिमाग ठीक करेगा। नाग देवता, तुमने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे बेटे की रक्षा करो। नाग देवता, मेरे बेटे की रक्षा करो। Thank you.
भैया भैया, इस तलवार ने तो कमाल कर दिया, मार मार के सबका कचूमर कर दिया और वो भी भाग गया। विजय भैया चलो घर चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ मंगलू आओ चलो। मैना, ओ मैना, अरे मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ नाग मंदिर में प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना कर रही है? मैना गुलाबी मेरे लिए किस मंदिर में प्रार्थना कर रही है? मन के मंदिर में। सच? माँ बेटा, 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 मेरे नाम, तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी प्रार्थना के भी तलवार बनकर मेरे हाथ में आ गई और मैं दुश्मनों को मारता काटता तुम्हारे कदमों में आ पहुंचा। विजय, तुम्हारी माँ की भक्ति की वजह से आज तुम्हें दूसरा जन्म मिला है। ये तलवार जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। याद रहे, ये तलवार हमेशा नेक काम में इस्तेमाल करना। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुखों नगर दंडारा पीटती, प्रीत न करियो को। क्या कष्ट है देवी? कुछ नहीं देवता, मेरा पांचवा पति भी मर गया है। देवता, मेरे कष्ट से आप भी दुखी हो गए। अरे देवी, मैं भी अपनी छठी औरत को शमशान पहुंचा चुका। नारो देवता, नारो, मैं तुम्हारा घर बसाने को तैयार हूँ। तुम मेरा घर बसाने को तैयार हो? अरे वाह, खूब रहेगी ये जोड़ी। अरे बापू आ गए। आई बापू। हाय भैया। हाय राम। पहलवान जी, ये आपकी कौन है? चमेली, ये तेरी बेटी है। ऐ बेचारी की माँ मर गई। अरे घर में लड्डू जो रखे हैं। लड्डू? वो तो अभी अभी कुत्ता खा गया बापू। कुत्ता खा गया? हाँ, पड़ोस के हलवाई से थोड़ी सी मिठाई ले आओ। अरे मिठाई क्या, मैं हलवाई को बुलाए लाता हूँ। ये क्या ढोंग बना रखे हैं? अरे गुलाबी, ये सब मोहब्बत के चक्कर हैं, मोहब्बत के। तेरे लिए और ना जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। और जो अभी पोल खुल जाता तो? पोल खुल जाता तो खोपड़ी का ढोल बन जाता। दिल लगाने के लिए गुलाबी कलेजा हाथ भर का चाहिए, हाथ भर का, समझी? हे गुलाबी, हे गुलाबी, हे बात ये है कि दो रोज से भूखा हूँ, जा जल्दी से कुछ खाने को ले आना। अरे तो मरा क्यों जाता है? बाबा अभी मिठाई लेकर आते होंगे, फिर पेट भर के ठूसना। तो मारती क्यों हो? अरे पैसे तो भूल ही आया लल्लू पहलवान। चलो फिर ले। हे गुलाबी, हे गुलाबी, बात तो सुन। तेरी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। हे देखा कैसा उल्लू बनाया तेरे बाप को। अरे मिठाई ले आया प्राणनाथ। हाँ ले आया प्राणनाथ प्यारी, इधर देखो, इसे कहते हैं।
तुम्हारी पुकार सुनने के लिए न जाने मैं किसके आशीर्वाद से जिंदा रह गया, पर न कल रात महल में मेरी जान पर बन गई थी। महल में? हाँ, मगर मेरी माँ की दुआओं ने इस तलवार के रूप में आकर मेरी जान बचा ली, और जब तक ये तलवार मेरे पास है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तो कमाल है। मगर ये महल के लोग भी अजीब लोग हैं। मैंने उनका भला चाहा और उन्होंने मेरी मौत का हुक्म दे दिया। क्या कहा? वो तुम थे जैसे फांसी दी जाने वाली थी। हाँ, मगर तुम तो ऐसे चौंक पड़ी जैसे वो हुक्म तुम्ही ने दिया था। हाँ, मैंने ही दिया था विजय, बड़ा धोखा हुआ। मैंने तो ये समझकर हुक्म दिया था कि वो जादूगर पकड़ा गया है। मगर तुम तो दासी हो ना? दासी तो मैं अब भी हूँ, मगर महल की नहीं, तुम्हारे चरणों की। अब समझा, तो आप राजकुमारी हैं। अब तक ये राज हमसे क्यों छिपा के रखा? पहले बता देती तो मेरे होकर भी मुझे न मिलते। अब भी महाराज का अभिमान और उनके पहरेदारों की तलवारें हमें कहां मिलने देंगे? मेरे पिताजी मेरी हर खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। तुम एक बार मुझे उनसे मांग कर तो देखो। झोंपड़ी में रहने वाला महलों के ख्वाब क्यों देखे राजकुमारी? ये कैसे दिल दुखाने वाली बातें करते हो विजय। जिससे मैंने दिल दिया है उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। अगर तुम्हारी ना हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकूंगी। तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई नाम नहीं, हाय नाम नहीं। जुल्फों की चमक ये कहती है तू कोई सुनहरी नागिन है। जुल्फों की चमक ये कहती है तू कोई सुनहरी नागिन है। हर सांस में शोला तड़पे है, हर गीत में दिल की धड़कन है। आँखों में नशा सा छाया है और हाथ में मेरे जाम नहीं, हाय जाम नहीं। मैं तेरी नजर में बस जाऊं।
वफा का लेते हो, दुनिया तो वफा की दुश्मन है, दुनिया तो वफा की दुश्मन है। दो प्यार भरे दिल वालों को दुनिया में कहीं आराम नहीं, आराम नहीं। तुझे चांद कहूँ या फूल कहूँ, मेरे प्यार का कोई नाम नहीं, हाय नाम नहीं। मैं तेरी नजर में बस जाऊं, दुनिया से मुझे कोई काम नहीं, हाय काम नहीं। नौजवान, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसके एवज में जो चाहो इनाम मांग लो। महाराज, मैंने इनाम की खातिर राजकुमारी की जान नहीं बचाई, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। यह तुम्हारा जवाब तसल्ली बख्शना है। हम चाहते हैं कि तुम कुछ जरूर मांगो। हाँ हाँ विजय, मांगो, पिताजी से जो भी मांगोगे वही पाओगे। महाराज, मुझे डर है कि जो आप देना चाहेंगे वो मैं ले नहीं सकूंगा, और जो मैं लेना चाहूंगा वो आप दे नहीं सकेंगे। नौजवान, तुमने हमारी फैयाजी को ललकारा। हम दुनिया की कीमती से कीमती चीज भी तुम्हें दे सकते। मांगो, क्या चाहते हो? महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। नौजवान, अगर तुम्हारा एहसान हम पर ना होता तो हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते। गुस्ताखी माफ हो महाराज, आप ही ने मुझे मांगने के लिए मजबूर किया था। तुम अपने एहसानों की कीमत मांग सकते हो, ना कि हमारी इज्जत। हम तुम्हें सख्त से सख्त सजा देने पर मजबूर हो जाए, इससे पहले तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ, चले जाओ यहां से। पिताजी, मैं विजय के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। पिताजी, हम भी अपने खानदान की इज्जत को कुर्बान नहीं कर सकते। राजकुमारी, आज से चार दिन के बाद तुम्हारा स्वयंवर है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो हमारी मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। मांगा, बाबा कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बोलो, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? साधना, तुमने जो जादू की शक्ति मुझे दी थी वो बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई? हाँ। और बाबा? और बाबा, बाबा कैद हो गए। कैद हो गए? कौन बाबा को कैद कर सकता है? किसने इतनी जुर्रत की? मैं उसे ऐसी सजा दूंगी जिसे देखकर मौत भी काम उठे। मैं उस जगह को हमेशा के लिए वीरान और बर्बाद कर दूंगी जहां मेरे बाबा को कैद किया है। अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं तो चलो मैं बाबा को छुड़ा कर लाऊं। नहीं नहीं साधना, नहीं, हिम्मत की बात नहीं है, तुम भी उन्हें नहीं छुड़ा सकती। क्यों? इसलिए कि जिसने उन्हें कैद किया है उसके पास एक ऐसी तलवार है जिसके सामने कोई जादू नहीं चलता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं देख लूंगी उसको और उसकी तलवार। मगर मैंने उसकी तलवार की ताकत को आजमाया है। इस वक्त अकल से काम लो साधना, गुस्से में बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। मैंने गुरुदेव को छुड़ाने का सारा इंतजाम कर लिया है, बस तुम मुझे कोई एक ऐसी चीज दो कि मैं गुरुदेव को छुड़ाने के बाद यहां तक हिफाजत से ला सकूं। ये लो, इस पर बैठकर तुम जाओ और पिताजी को किसी भी तरह यहाँ ले आओ। कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। इस पर? हाँ, तुम्हारे बैठते ही उड़ने लगेगा
और जहां तुम चाहोगे ले जाएगा। शब तुम बहादुर, वो देखो सोने का कवर। हमारे खानदानी रिवाज के मुताबिक उसे लेकर राजकुमारी को भेंट करो और वरमाला के हकदार बनो। Thank you.
मुझसे मुकाबला करो। Thank you.
हमारी प्रतिज्ञा के मुताबिक इस बहादुर नौजवान को वर माला पहना। का अधिकारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम राजवंशी नहीं हो, क्षत्रिय भी नहीं। एक बहादुर तो हूं, तलवार की नोक से मैंने अपनी तकदीर पर विजय का तिलक लगाया। तलवार की नोक से ताज और तख्त पर कब्जा किया जा सकता है, कुल की मर्यादा पर नहीं। राजकुमारी की शादी किसी राजकुमार से होगी। दासियों, राजकुमारी को महल में ले जाओ। मेरा महल अब इन्हीं के चरणों में है पिताजी। प्राणों के रहते ये शरीर अब दूसरे का नहीं हो सकता। दीजिए। विजय, विजय तुम अपनी बहादुरी से। महाराज, इनकी बहादुरी की दुहाई क्यों दे रहे हैं आप? है अपने बहादुर राजकुमारों से कहिए ना कि वो राजकुमारी को बचा के लाएं। है क्योंकि अपने विजय भैया ना तो बहादुर हैं और ना ही क्षत्रिय है। ये भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कटे पर नमक न छिड़को, ये राज आज्ञा नहीं, ये बाप की पुकार है, ममता की फरियाद। आप चिंता न करें महाराज, मैं राजकुमारी को अवश्य बचा कर लाऊंगा। चल मंगलू, चलिए। ये भी कोई पूछने की बात है विजय भैया? ये तो हमारी चाल से, ढाल से, हाल से पता चल रहा है। ये कन्नन सारी मुसीबत की जड़ है। तो क्या पता इसी मुसीबत के बदले मुझे मेरी राजकुमारी मिल जाए। इतना सस्ता सौदा पड़ दे अपने को लगता नहीं है विजय भैया, पर कोशिश करके देख लो। चलो आगे बढ़ो। को जंगली जानवर ने मंगलू, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दिल को खड़ा रखो भैया, मेरा ख्याल है राजकुमारी ने हमारी सहूलियत के लिए अपनी निशानी जानबूझ के रास्ते में गिरा दी है। आसपास उसकी कोई दूसरी निशानी भी होगी। तुम ठहरो, मैं अभी देख के आता हूं। भी हम मिल न सके, मिल के भी हम मिल न सके, क्या मिला फिर प्यार में, क्या मिला फिर प्यार में। फूल का सनम, फूल
एक दीपक जलाया आंधियां चलने लगी, हमने एक दीपक जलाया आंधियां चलने लगी, बुझ गया दिल दिल में लाखों हसरतें जलने लगी, हसरतें जलने लगी। हम तो सुने लुट गए जो बहार में, लुट गए जो बहार में। भी हम मिल न सके, मिल के भी हम मिल न सके, क्या मिला फिर प्यार में, क्या मिला फिर प्यार में। हम तो सनम फूल हैं वो, हम तो सनम फूल हैं वो, लुट गए जो बहार में, लुट गए जो बहार में। हमेशा तुमने यही कहा कि मैं गुरुदेव को ले आऊंगा, मगर तुमसे कुछ भी ना हो सका। वादा ही क्यों करते हो जब पूरा नहीं कर सकते। साधना, साधना मुझे बहुत अफसोस है कि गुरुदेव को आजाद कराने की हर तरकीब नाकामयाब हुई, लेकिन अब की बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। ऐसी लड़की को उठाकर लाया हूं जिसकी वजह से गुरुदेव जरूर आजाद हो जाएंगे। लड़की? मगर लड़की को उठा लाने से क्या होगा? लड़की के तलाश में वो लोग यहाँ आएंगे। कौन लोग? वही लोग जिनके कैद में गुरुदेव है और जिनके कब्जे में वो तलवार और वो कंगन है। एक बार वो हमारी माया नगरी में आ जाएं तो हम उन्हें अपना गुलाम बना लें, उनसे सब कुछ छीन के हम अपने गुरुदेव को आजाद कर लेंगे। साधना, मगर वो ऐसे कौन लोग हैं जिनके आगे तुम्हारी और बाबा की कुछ नहीं चलती? मैं अभी उन्हें देखती। भैया चलते चलते अपने तो पांव का कबाड़ा हो गया है और ना जाने कहां तक चलना होगा। मेरा कहा मानो तो अभी वापस लौट चलो। चलो मंगलू, जो कदम आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं हट सकता। अरे मैं तो तुम्हें हंसा रहा था भैया, तुम क्या समझो मैं कहता हूँ। चलो आओ। अरे ये तो वही है। अब मैं देखती मेरे शिकंजे से बचकर कहां जाते। जल्दी करो।
शाबाश शाबाश दिए दे आओ आओ पहले के कोई दूसरी मुसीबत आए चलो यहां से भाग चले ये कैसी तलवार इसने तो हमारे जादू को काट दिया इसी तलवार के बल पर तो उसने मुझे हराया है लेकिन मुझे नहीं हरा सकता तुम्हारा जादू इसके सामने बेकार है फरीद का जादू कभी बेकार नहीं हो सकता ये क्या मुसीबत है कमाल है इतना लकड़ियां यहां लड़कियां पेड़ों पर पैदा होती है हे मालिक हे मालिक आग चला दे और एक एक करके इन सबको गिरा दे ताकि मैं इन सबको समेट लूं कैसी मुसीबत है कुछ आई दे आलो भैया देखो कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं क्या बताऊं सिर्फ सर ही सर हैं वरना मैं इन सबको अपनी बना लेता अपनी बना लेता तो ये सर भी उन सब सरों के साथ लटकता हुआ नजर आता अपनी बना लेता सबकी सब पानी में गिर गई अब क्या होगा भैया अरे वो भैया वो देखो मुझे बुला रही है मैं चला कहाँ जाता है डूब जाएगा भैया जो कदम आगे बढ़ गया है वो पीछे नहीं हटेगा मैं चला अरे मंगलू अरे 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 मंगलू बुद्धू कहीं के दोनों कब्जे में आ गए खूबसूरती के सामने तलवार अपना दम तोड़ चुकी है अब माया जाल से बच के वो कहां जा सकते हैं विजय भैया मालूम होता ये लोग हमको घोड़ों के अस्तबल में ले आए लो वो आ गए अब दिखाओ अपना जादू इन पे जादू करके जादू की ताहिन करनी है क्या तो फिर क्या करोगे देखते जाओ क्या करती हूँ सब कहा गई
तो यहाँ लाके छोड़ दिया है भैया। ये सब लकड़ियाँ, मेरा मतलब है ये सब लड़कियाँ कहाँ गायब हो गई? जरूर यहाँ कोई जादूगरी का चक्कर है। ओ, तब तो भैया मेरा दिल कहता है कि राजकुमारी यही कहीं होगी, है वो भी तो जादू के कालीन पर ही उड़ाई गई थी। ये लो बीन बजाओ, अगर वो यहाँ होगी तो जरूर जवाब देगी। लाओ है, तुम बीन बजाओ। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। राजकुमारी का तो कुछ पता नहीं चल रहा। विजय, विजय, राजकुमारी, विजय, इस तलवार की शक्ति ने हमें तुमसे फिर मिलाया है, नहीं तो जीवन भर इस जादू नगर से आजादी नहीं मिलती। ये तलवार हमारे लिए पूजने की चीज है। राजकुमारी, ये तुमने क्या किया? राजकुमारी के कामों में मामूली आदमी दखल नहीं दिया करते। मामूली आदमी मैं हूं या तुम, जिसने मेरी मोहब्बत का अपमान किया? मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम पर विश्वास किया, तुम्हारी खातिर जान हथेली पर लेकर यहां आया, और इसका बदला तुम इस तरह चुका रही हो कि उस बदमाश से मिल गई। बकवास करने की जरूरत नहीं, कंगन निकाल। देखता क्या है, इस तलवार की ताकत से तू अच्छी तरह से वाकिफ है। निकाल कंगन। ऐसा दे दो भैया, कंगन दे दो। कंगन लेके अपन क्या करेंगे? कंगन देके कम से कम जान तो बच जाएगी, और जान बच जाएगी तो इसे भी समझ लेंगे। दे दो भैया दे दो, वरना और मारेगा, सूर से पक्का गुंडा लगता है। लो दे दो। जिस बेवफा के कारण मैंने ये झगड़ा मोल लिया, जब वही बदल गई तो इन्हें रखकर क्या करूंगा। ले जाओ इस वफादार को और कैद में डाल दो। हाँ भैया, वफादारों की जगह कैद ही होती है। देखा तुमने फरेब का जादू कैसे चला? मान गए तुमको। राजकुमारी और उसका आशिक दोनों कैद हो गए। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्या पड़ी मेरी रानी? मैं समझी नहीं। मतलब यह है कि गुरुजी को राजा के पंजे से छुड़ाए बिना मैं शादी का ख्याल तक नहीं कर सकता। मगर शादी तुमसे होगी और जरूर होगी। तू वादा रहा। वादा तो कब का है मेरी सरकार। हटो। ओहो, यह करना किससे सीखा है? ये यूना बिगड़िए, नाम बुरा
खुशियों का सहारा हो, तुम्हें कफन पहनाने से पहले मैं तुम्हारे प्यार को कफन पहना दूंगा। मैं विजय को तुम्हारी नजरों के सामने कत्ल कर दूंगा। बताओ, अब मुझसे प्यार करके उसको बचाना मंजूर है या उसकी मौत? देखता हूं भगवान तुम्हारे प्यार की कैसे सहायता करता है। जाओ और उस बदनसीब कैदी को हमारे सामने ले आओ। झगड़ा करता था हमसे, मार दिया। अरे झगड़ा करता था, मार दिया, मार दिया। पानी पानी, अरे इसमें जा रहा पानी, क्या जल्दी जा। पानी पानी पानी, पानी। भैया चलो भागो यहां से, मगर वो, अरे वो इसको पानी पिलाता रहेगा। चलो कैदी भाग गया सरकार। क्या कहा, कैदी भाग गया? क्या कहा तुमने? सरकार के बच्चे, खबर सुनाने से पहले तुम्हें मौत नहीं आ गई? मौत तो अब तुझको आएगी। देख लिया तूने मेरे भगवान का चमत्कार, दुल्हन बनाने आया था। तुम? हाँ मैं, जहरीले नाग, आज तेरी केशली उतर गई। बता मेरे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा? मेरे बाबा नर्क के दरवाजे पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा, तूने उन्हें मार डाला? हाँ मार डाला। कमीने कुत्ते, नमक हराम, तूने मेरे बाबा को मार डाला, मेरे बाबा को मार डाला तूने। और अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। मगर इससे पहले तू किसी और मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाले, मैं तुझे जहन्नम पहुंचा दूंगी। मैं ये तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। कमीने, मैं अभी तुझे इस बोतल में बंद कर देती हूं।
रखा तूने इस तलवार की शक्ति को, लेकिन मैं तेरा खून नहीं बहाऊंगा, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और अब इसी में तुम्हारी खैरियत है कि तुम खुद छोटी होकर इस बोतल में समा जाओ, समा जाओ, जल्दी करो, समा जाओ इस बोतल में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देख लिया मेरे रास्ते में दीवार बनने का अंजाम, बस अब इसी तरह इस बोतल में पड़ी रहो और तड़प तड़प कर मर जाओ। नमक हराम, क्या यही मेरी मोहब्बत का बदला है कि तुमने मुझे कैद कर लिया और मेरे बाप को मार डाला? मुझे आजाद कर दो, आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। सिपाही ले जाओ इस बोतल को, किसी गहरे तालाब में फेंक दो, ले जाओ इस बोतल को। जेल से तो भागा है मंगलू, मगर अब क्या मुंह लेकर वापस जाएंगे? क्यों? मैंने महाराज को वचन दिया था कि राजकुमारी को लेकर वापस लौटूंगा, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह धोखा दे देगी। ओहो विजय भैया, मुझे तो ये धोखा भी जादू का ही मालूम होता है। अगर उसे धोखा ही देना होता तो उसके बाप के राज में उसे कौन रोक सकता था। ठीक है, मगर भैया, अरे ए मंगलू, अरे बात क्या है? लकड़ी है बोतल, है बोतल में लकड़ी, है लकड़ी में बोतल। भैया भैया, विजय भैया कहाँ चले गए? विजय भैया देखो, बोतल में परी है, परी। परी? कैसी परी? देखो ना, मुझे इस बोतल से निकालो विजय, विजय इस बोतल से निकालो। विजय विजय भैया, ये तो अपना नाम भी जानती है, इसे मत निकालना, ऐसा ना हो कि कोई नई मुसीबत निकल आए। मैं तो चाहता हूँ कोई नई मुसीबत आए और जान ले ले, अब जीने में मजा नहीं रहा। भैया ये क्या कर रहे हो, इस मुसीबत को बोतल में ही रहने दो, इसे बाहर मत निकालो। घबराओ नहीं विजय, मैं तुम्हारी जिंदगी में राजकुमारी को लाकर फिर से बाहर ला दूंगी। मगर आप ये तो बताइए कि आप किस मूली की खेत हैं? मेरा मतलब है कि आप चीज क्या है? ये कोई भी हो, ना मुझे इनसे मतलब है ना राजकुमारी से, वो बेवफा नहीं। राजकुमारी बेवफा नहीं, मैं जादूगरनी हूँ, मैंने ही राजकुमारी का रूप बदलकर तुम्हें धोखा दिया था। मगर क्यों? उस बेवफा की मोहब्बत में फंसकर जिसके कब्जे में तुम्हारी तलवार और कंगन है। मगर हम ये कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो? हे राजकुमारी, अब यकीन आया? तो मेरी राजकुमारी बेकसूर, न जाने वो किस मुसीबत में होगी। इससे पहले वो राजकुमारी को कंगन पहनाकर अमर हो, हमें कुछ करना चाहिए। ओहो, जब इन कंगनों पे तुम्हें झगड़ा चालू। हाँ, यही इन कंगनों की खूबी है। मगर जब तक उसके हाथ तलवार है, हम उस कंगन हासिल नहीं कर सकते। कंगन मैं हासिल करूंगा। वो कैसे? ये तो मुझ पे छोड़ दो और फिर देखो मेरा चमत्कार। अगर तुम कामयाब हो गए तो फिर वो मुझसे नहीं बच सकता। ये बात है तो भैया इसको कर दो आजाद।
समझा कर थक गया, लेकिन कमबख्त मानती ही नहीं। जरा प्यार से समझाइए सरकार। क्या खाक प्यार से समझाएं? वो मुझसे नफरत करती है। नफरत को तोड़ दूंगा, मोहब्बत को जोड़ दूंगा, यही मेरा कमाल है। हे इना मीना जी का मोहब्बत का रंग सड़े तीखा हो, तेरा बाला हो भीखा, इसे जिगर की आंख वाला ही देख सकता है, इसे जिगर की आंख वाला ही समझ सकता है। तूने जिगर पे चोट खाई है बच्चा, तुम्हें हमारा चमत्कार अच्छी तरह दिखाई देगा। कौन है तू? हे बुजुर्गों से बदतमीजी, अदब से पूछेगा तो बताऊंगा। अगर तू कोई जादूगर है तो इस तलवार से तेरा खात्मा कर दूंगा। सही सही बता तू कौन है? हम ये नहीं बताने आए कि हम कौन हैं, अबे हम तो ये बताने आए हैं कि तू कौन है। और बच्चा हम ये भी जानते हैं कि तू किस कष्ट में है। एक तलवार पीछे। कष्ट? अगर तू सचमुच मुझे ये बता दे कि मैं किस कष्ट में हूं तो मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। माल के भूखे होते हैं ढोंगी, अरे हम तो सच्चे है तपस्वी हैं। बोल, तू राजकुमारी से शादी करना चाहता है ना? हाँ। उसे कंगन पहना के अमर होना चाहता है ना? हाँ। और वो मानती नहीं? नहीं मानती महाराज। बोल बोल, बता दिया ना तेरा कष्ट? हाँ महाराज, मगर अफसोस है? मगर महाराज, घबराओ मत बच्चा, तुम्हारी बेकसी पे हमें तरस आ गया है, इसीलिए तो हम यहाँ पधारे हैं। ला वो कंगन, हम उस पर मंत्र फूंक के देते हैं, उसके बाद देख हमारा चमत्कार। कंगन राजकुमारी तो क्या, उसका बाप भी पहनेगा। ला कंगन, ला ला ला, मन में श्रद्धा रख तो बेड़ा पार हो जाएगा। ला कंगन, है ना मेरा डी का मोहब्बत का रंग चढ़े तीखा, तेरा बाल ला हो बीका, आम छू, इमली छू, काला रे बंगाला छू। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, जादू का असर आंखों पे हो गया तो याद रखो अंधे हो जाओगे। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। बच्चा कुछ दिखता है? जी हाँ, आंखों पर क्या है? हे कंगन, हे जाओ और राजकुमारी को पहना दो। ये आपने मंत्र पढ़ दिया? अरे पढ़ दिया बच्चा, बिल्कुल पढ़ दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक कर दिया, जाओ। वो ये कहाँ लिए जा रहे हो बच्चा? अगर ये ना होती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता था। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बहन। मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ, समय बहुत थोड़ा है, ये लो पालन। लुक, तुम जहां भी चाहोगे ये पहुंचा देगा, तलवार मिलते ही यहां से निकल जाना। राजकुमारी? ओ राजकुमारी, वो आ गए शायद। तुम थोड़ी देर के लिए छुप जाओ, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। चलो। छुपे रहो और देखो क्या होता है। कल्याण हो बच्चा। वाह महाराज, आप यहां भी और वहां भी। बच्चा, आसमान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में और जमीन के चांद सितारों में, जंगल की मछलियों में और दरिया के शेरों में, हम हर जगह मौजूद हैं, कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मगर महाराज, ये मक्कार आपके साथ? इस मक्कार को हमने माफ कर दिया है, तुम भी माफ कर दो। ये तुम्हारा प्रेमी है, इससे बड़ा प्रेमी तुम्हें दुनिया भर में नहीं मिलेगा। बोलो माफ कर दिया, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। भला आपका कहना कैसे टाल सकते हो? अब तो जो कुछ आप कहेंगे वैसे ही करूंगी महाराज। जीती रहो पुत्री, तो अब हम ये चाहते हैं कि तुम इससे ब्याह रचा के आधी दुखी रहो और आधी सुखी। बोलो, ब्याह रचाओगी? और हम ये भी चाहते हैं कि तुम इसके हाथों से कंगन पहन लो। कंगन महाराज? और इसे अमर बना दो। बोलो, तुम्हारा मन क्या कहता है? अब तो मन ये कहता है महाराज कि इनके हाथों से कंगन पहनो ताकि ये अमर हो जाए और मैं खूब नाचूं गाऊं खुशियां मनाऊं। ये लो कंगन और जाओ ऐश करो, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, जाओ। आशीर्वाद दीजिए महाराज। जाओ। कंगन पहनेगा।
बदमाश कुत्ते, मेरे सामने आखिर तेरी हार हुई ना, अब देखती हूँ तू किस तरह मेरे हाथ से बचकर जाता है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, मेरी हार जरूर हुई मगर आज ये देख असली तलवार ये है। क्यों, अब क्या हो गया? मैं भी तेरे टुकड़े टुकड़े करता था मगर ऐसा नहीं करूंगा मैं, अभी तुझसे बहुत काम लेने। मां विजय, विजय मां बेटा, विजय तू आ गया बेटा। मंगलू किधर है? मंगलू है ना माँ। अरे माँ तेरा मंगलू अकेला नहीं आया, वो तो अपनी होने वाली भाभी यानी राजकुमारी के साथ आया है। राजकुमारी कहाँ है? माँ बेटी बेटी। हे माँ, हे मैं शहनाई वाले को बुला लूँ? अभी देर है। तुम? हे कमाल है, हे यार तुम यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। शहनाई बजेगी लेकिन राजकुमारी के हाथों में कंगन मैं पहनूंगा। उसके पहले मेरी तलवार तेरी गर्दन चूमेगी। विजय, विजय भाग जाओ, असली तलवार इसी नीच के पास है। Thank you.
राजकुमारी, मैंने अपने और तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए दूर कर दिया। हमारी मोहब्बत कामयाब हुई और विजय मारा गया। राजकुमारी चलो मेरे साथ। नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। मैं तो जैसे नीच का हुक्म मानने से पहले नाग देवता के चरणों में जान दे दूंगी। देखता हूँ कैसे भी चलती। नाग देवता मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखता हूँ तेरी कौन रक्षा करता है। राजकुमारी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ मेरे साथ चलो। नहीं नहीं। अच्छा तो मैं आज तुम्हें तुम्हारे देवता के सामने ही खत्म कर देता हूँ। आ गया माँ, माँ आके खुलू, माँ मैं तो, माँ, हाँ माँ, हमारा विजय आ गया, विजय, हाँ माँ, मेरा नाम विजय, पिताजी, बेटी, पिताजी, विजय, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। विजय हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। देवी ये सब तुम्हारी प्रार्थना का फल है। नहीं महाराज, ये तो नाग देवता की कृपा है। महाराज लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। महाराज इंसाफ कीजिए, अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिए आपका इंसाफ बदनाम हो जाएगा। महाराज महाराज बात यह है कि मैं भी अभी तक कमा रहा हूँ। हे महाराज लगे हाथ में अपना भी कुछ है। कोई लड़की पसंद की है? ओहो महाराज लड़की तो पसंद कर चुका हूँ, मगर उसका बाप बहुत जालिम आदमी है, उसे हम समझा। और वह बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। मिला